थानों में गाड़ियां पिछले कई वर्षों से न केवल धूल खा रही है बल्कि रखे रखे कबाड़ हो रही हैं। थानों में कबाड़ होती गाड़ियां, दुपहिया वाहन और अन्य सामान देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इनमें से अधिकतर गाड़ियां चोरी के बाद पुलिस ने बरामद की है। इनमें से कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में खुद पुलिस को भी नहीं पता कि इनका मालिक कौन है। बाइक के पुराने होने या फिर कंडम हो जाने के कारण गाड़ी मालिक इन्हें वापस नहीं ले जा रहे हैं। कई लोग चोरी के बाद इंश्योरेंस क्लेम कर चुके हैं, लिहाजा गाड़ियां थानों में पड़े पड़े सड़ रही है। ऐसी स्थिति में पुलिस थाने ही कबाड़ का रूप लेते जा रहे हैं और जगह भी नहीं बच रही है। गाड़ियों में सबसे अधिक संख्या दुपहिया गाड़ियों की है, चार पहिया वाहन कम है। कोटा शहर के आरकेपुरम थाना के हालात यह है कि वहां पर स्टाफ के लिए भी जगह कम है, तो गाड़ियां कहां पर खड़ी की जाए। थाना पूरी तरह खचाखच भरा हुआ है। पुलिस ने गाड़ियां खड़ी करने के लिए पास में ही चार की तारावंदी करवाकर गाड़ियों को रख रखा है। मुकदमाती वाहन, सीआरपीसी पुलिस एक्ट में, एमबी एक्ट में जब्त वाहन थाने में पड़े पड़े खराब हो रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस द्वारा बीमा कंपनी को कई बार लेटर भी लिखे जा चुके हैं, लेकिन बीमा कंपनी द्वारा वाहनों को नहीं ले जाया जाता, जिसके चलते भी पुलिस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोटा शहर के ज्यादातर थाने गाड़ियों से लपालपुल की हालात में है। पर दिखाएंगे आपको क्या हालात है यहाँ के, किस तरह की गाड़ियों के हालात है, कितनी गाड़ी थाने के लिए पहले जगह कम है, लेकिन जो गाड़ियां जब्त की जाती है उन गाड़ियों को रखने के लिए थाना परिसर में कोई जगह नहीं है। पास में ही पुलिस द्वारा एक ताराबंदी करवा कर जगह कर रखी है, थाने के बाहर ये जगह कर रखी है जहां पर जब्त गाड़ियों को खड़ा किया जाता है। गाड़ियों को छुड़वाने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को कोर्ट में जो केस चलते रहते हैं उनको लेकर कई गाड़ियां इसमें चोरी की होती है, जो केस जब तक केस फाइनल नहीं हो जाता तब तक वो गाड़ियां यहाँ खड़ी रहती है। उसके बाद गाड़ी कबाड़ा हो जाती है तो इनका जो मालिक होते हैं वो भी इनको लेने नहीं आते हैं। बाहर के ये हालात हैं जहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग करके गाड़ियों को रख रखा है। इस बारे में अधिकारी से बात करने की कोशिश करेंगे हम कि क्या हालात है थाना के, कितनी गाड़ियां हैं जो जब्त हुई है। कई एक बात ये भी निकल कर आई है कि जो बीमा कंपनी होती है, अगर किसी गाड़ी चोरी है और वो बीमा उठा लेता है जो मालिक होता है, लेकिन जो बीमा कंपनी की उसकी जिम्मेदारी होती है बाद में बाइक ले जाने की, लेकिन उस गाड़ी को बीमा कंपनी वाले आते नहीं हैं और लेके नहीं जाते हैं। उसके चलते भी पुलिस को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एसटीएन न्यूज़ के लिए रविंद्र सिंह की रिपोर्ट।